मार्वलस कोचिंग मेन रोड पड़वा मोड पलामू, एसएससी रेलवे बैंकिंग कंप्यूटर कोर्स आदि की तैयारी के लिए संपर्क करें। समरनाले में आज बीजेपी प्रतिनिधि मंडल का एक टीम भवनाथपुर से बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही एवं जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी के नेतृत्व में गढ़वा डीसी से उनके कार्यालय में मुलाकात कर 6 सूत्री मांग पत्र सौंपा। सौंपे गए मांग पत्र के आलोक में विधायक ने कहा कि पिछले दिनों जिला में बारिश और ओलावृष्टि से अरबों का नुकसान हुआ है एवं किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, जिससे उनकी कमर टूट चुकी है। उन्होंने डीसी से जल्द आकलन कर पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने की मांग की। जबकि दूसरे मांग पर विधायक ने कहा कि तुलसी दामर खदान जो बिना सूचना के सेल ने अचानक बंद कर दिया था, जिसे 5000 लोग प्रभावित हैं, उसे अविलंब चालू करवाने की मांग की है। सौंपे गए मांग पत्र के आलोक में डीसी हर्ष मांगला ने कहा कि आवेदन प्राप्त हुआ है, हमने अपने सीओ और सीआई को क्षतिपूर्ति का आकलन कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। 2 दिनों के अंदर सभी जगह से रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगा। सबसे ज्यादा क्षति रंका और भंडरिया क्षेत्र में हुई है। सर, ज्ञापन दिया गया है खासतौर पर जो ओलावृष्टि हुआ है उसको लेकर, खासतौर पर ओलावृष्टि के बारे में जिले में हम लोगों ने निर्देश पहले भी अधिकारियों को दे दिए हैं। समीक्षा सर्वे हो रहा है और जो ज्ञापन है, ज्ञापन में जो भी इसमें बातें लिखी है उनके भी त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या लगता है अभी तक कितना आकलन आ चुका है प्रशासन? मैंने अंचलों से बात की थी तो भंडरिया में जैसे नुकसान ज़्यादा है, रंका में नुकसान ज़्यादा है, तो वहाँ से कुछ कुछ संख्या में अभी इंटरिम सर्वे हो चुका है, लेकिन कंप्लीट होने के बाद ही अंतिम रूप से किसानों की संख्या बता दी जाएगी। वो अभी 2 दिन लगेंगे उसमें। उपायुक्त करवा से मिल करके अपना मांग पत्र दिया। जो सबसे बड़ा मांग हम लोगों ने पहला मांग रखा है वो मांग है कि गढ़वा जिला में जो लगातार 3 दिनों से ओलावृष्टि हुई है 23, 24 और 25 तारीख, जिसमें हजारों एकड़ खेत के फसल लगे हुए जो थे वो बर्बाद हुए हैं, जिसमें चना, अरहर, टमाटर, सरसों, गेहूं, अन्य फसल हमारे बर्बाद हुए हैं, अरबों रुपया का नुकसान हुआ है किसान, और कई मकान ऐसे खपड़ेल हैं जो ध्वस्त हो चुके हैं, पूरा खपड़ा उसका टूट गया है। तो उसके लिए हम लोगों ने मांग किया है कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इसका समुचित जांच करा करके उचित मुआवजा उसका दिया जाए। दूसरा जो हम लोगों ने मांग किया है कि गढ़वा जिला में धान क्रय केंद्र सारे प्रखंडों में नहीं खुले हैं, सारे प्रखंडों में उसको खुला जाए, और जिन प्रखंडों में खुला है वहाँ काफ़ी शिथिलता के साथ धान क्रय किया जा रहा है, जिससे जो हमारे किसान हैं वो औने पौने दाम में हमारे धान बेच दे रहे हैं और बिचौलिया इसमें पैसे कमा रहे हैं। तो सभी प्रखंडों में FCI का धान क्रय केंद्र खोला जाए और हमारे किसानों को अविलंब, जो आज इतने बड़े बरसात में भी बहुत सारे लोग आंगन में अपना धान रखे हुए थे, वो धान अविलंब खरीदा जाए, यह हम लोगों ने मांग किया है। तीसरा मांग जो हम लोगों ने किया है कि गढ़वा जिला में पिछले 5 महीने से या 6 महीना बोल लिया जाए, लगभग अब 6 महीना होने वाला है, 6 महीने से जितने भी विकास कार्य हुए, चाहे वो मनरेगा के विकास कार्य हो या अन्य जिला संचालित योजना हो, राज्य संचालित योजना हो या केंद्र संचालित योजना हो, किसी भी योजना में भुगतान नहीं किया जा रहा, जिससे मजदूरों के सामने आज भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बहुत ऐसे संवेदक हैं जो दुकान से उधार लेकर के छड़, सीमेंट, ईटा का काम किए हैं, उन दुकानदारों के ऊपर भी काफ़ी आर्थिक मार पड़ी है और वो भी अब असहाय हो गए हैं, और जो संवेदक हैं उनके ऊपर भी काफ़ी परेशानी और दिक्कत हो रही है, तो वो भुगतान किया जाए, ये हम लोगों ने मांग पत्र दिया है पूरे गढ़वा जिला के लिए। चौथा मांग जो हम लोगों ने दिया है वो सेल का एक माइंस, तुलसी दामर माइंस है, जिसमें 1000 मजदूर कार्यरत हैं, बगैर किसी सूचना के, बगैर किसी वारंटी के, बगैर किसी उन लोगों को नोटिस के एकाएक उस माइंस को बंद कर दिया गया, जिससे 1000 मजदूर प्रत्यक्ष
और लगभग 5,000 अप्रत्यक्ष लोग जिनका खाद खर्चा उस माइंस से चलता था वो सड़क पे आ गए। उस माइंस को अविलंब खुलवाया जाए हम लोगों ने मांग किया है। चौथा पांचवा मांग जो हम लोगों ने किया है वो है कि गढ़वा जिला में पिछले 2 महीने में निवर्तमान सरकार के जाने के बाद जो वर्तमान सरकार बनी है उसके आने के बाद गढ़वा जिला में लगातार चोरी डकैती और व्यवसायियों पर गोलीबारी जैसी घटनाएं हुई हैं, नक्सली मूवमेंट भी बढ़ा है, तो इस पर अविलंब रोक लगाया जाए यह हम लोगों ने मांग किया है। छठा मांग जो हम लोगों ने किया है कि गढ़वा जिला में जो मनरेगा के तहत तकनीकी सहायक अभियंता और अभियंता का नियुक्ति पत्र बांटा गया वो जिला से बाहर के लोगों को रखा गया है जो रूल ऑफ कंडक्ट के खिलाफ में, तो उसको रद्द करके यहाँ के गढ़वा जिला के युवाओं को उसकी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये 5 मांग हम लोगों ने, 6 मांग आज हम लोगों ने उपायुक्त गढ़वा को पूरे भाजपा जिला गढ़वा की तरफ से देने का काम किया है और इन चीज़ों पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी गढ़वा जिला आगे हम लोग इस मामला को ले जाएंगे, विधानसभा में भी तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो सड़क पर आंदोलन भी हम लोग करेंगे। गढ़वा पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।